दोस्तों, मैं हूं सपन राज, आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत। जैसा कंटिन्यू आपको फोटोशॉप के बारे में बता रहा था, उसी में नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं पेन टूल के बारे में। जैसा कि नाम ही है पेन टूल, मतलब ये कि हमारा कुछ भी ड्राइंग करने के काम आता है, सिलेक्शन करने के काम आता है। जो फोटोशॉप में बोला जाए पेन टूल के बिना फोटोशॉप अधूरा है। जब तक आपको पेन टूल नहीं आता, फोटोशॉप में क्या उस लेवल का काम नहीं कर सकते। जो सिलेक्शन के लिए है, जितने भी मतलब प्रोफेशनल है, सारे पेन टूल का यूज़ करते हैं। बाकी के इसके पहले जो आपको मैंने टूल बताया था, यहाँ पे जो भी आपके टूल थे यहाँ पे सिलेक्शन, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, बाकी मैंने जो भी बताया आपको, लैसो टूल, पॉलीगनल लैसो टूल, मैग्नेटिक टूल, जो भी था यूज़ तो सबकी है। लेकिन जब आपको प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है, एडवांस लेवल पे, तो आपको क्या है पेन टूल का काम करना पड़ेगा। तो पेन टूल इसमें होता कहाँ, जैसे आप कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, टूल बार में आपका पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर देखिए कई सारे चीज़ मिलते हैं, पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, एड एंकर पॉइंट पेन टूल, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पॉइंट टूल। और इसी के साथ आपको आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा पाथ सिलेक्शन के बारे में और डायरेक्ट सिलेक्शन के बारे में। ऐसे मैं पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन अलग से क्लास में रखूंगा, लेकिन जब पेन टूल पर काम करेंगे थोड़ा थोड़ा इसका काम इसके साथ पड़ता है, तो मैं बताऊँगा। चलिए शुरू करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ पेन टूल के बारे में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया, ठीक है। लेने के बाद हमने क्या पी प्रेस करके क्या किया, पेन टूल को एक्टिव कर लिया। जैसे हम पेन टूल को एक्टिव करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या ये दिखेगा। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट पेन टूल पे। इस पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ ऊपर की तरफ खुलती है। जो पहला है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यह है एक शेप और पाथ। शेप क्या होता है, हम कुछ भी ड्राइंग करते हैं, कुछ ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा शेप के अंदर आता है, ठीक है। और दूसरा है पाथ। पाथ मतलब नाम से ही है, पाथ पाथ मतलब रास्ता। हमें कुछ ही चीज़ को क्या सिलेक्शन बना दी, तो रास्ता बना के रखना होता है खाने का, मतलब हम कुछ भी इमेज कटिंग कर रहे हैं और उसे हम इमेज को कटिंग करना है प्रोफेशनल तरीके से, तो उसके लिए क्या है पाथ में उसको सिलेक्शन करके रख लेते हैं। और बाद में होता है हम कुछ भी, मान लो हमें सिलेक्शन को चेंज करना है, इधर उधर करना है, अगर हम पाथ सिलेक्शन रूल के थ्रू करते हैं तो हमें दोबारा से सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। आज है हमारा क्लास मेन शेप के ऊपर। शेप मतलब ड्राइंग करना, कुछ भी क्लिक किया इससे हमने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट आ यहाँ पर आता है आपका फिल। आपको जो भी फिल चाहिए इस पर क्लिक करें, और यहाँ भी फिर आपको आगे बताऊँगा क्या होता है। फिर नेक्स्ट आपका स्ट्रोक, इस पर जो स्ट्रोक चाहिए वो आप कर सकते हैं, और बाकी स्ट्रोक का स्टाइल जैसे मैंने पहले आपको इलस्ट्रेटर इंडिया ने बता रखा है वो। चलिए शुरू करता हूँ आपको पेन टूल से। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पेन टूल लिया, और हमने क्या किया एक जगह क्लिक कर दिया, हमारे हमें कुछ भी ड्रॉ करनी है। क्लिक किया, अगर आप क्या है शिफ्ट क्लिक करने के बाद शिफ्ट आगे शिफ्ट दबा के रखेंगे और बस माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते रहेंगे, तो आपकी जो होगी आपकी ये पूरी पूरी आपकी क्या है स्ट्रेट ड्राइंग होगी। इस तरह से कुछ भी हो आपकी स्ट्रेट जाएगी। ये देखिए आपको मैं क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ भी हमारी क्या है स्ट्रेट गई। डिलीट करके मैं दोबारा दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने पी दबाया, इसको यहाँ लिया और शिफ्ट दबा के रखा, नीचे की तरफ आए, स्ट्रेट किया, थोड़ा ऊपर गए, थोड़ा राइट गए। आपको जैसे भी करना है, आप बस शिफ्ट दबा के रखें तो आपकी ड्राइंग क्या जाएगी स्ट्रेट जाएगी, इस तरह से, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेट ड्राइंग करना है तो आप चलिए नॉर्मल बात करते हैं। हमने पी लिया, किसी कहीं पर जाकर लेफ्ट क्लिक किया और दूसरे जगह जाके हमने क्या किया क्लिक किया, और हमें इसे क्या है कर्व करना है। तो हमारे यहाँ पे दो नोट्स बन गए, एक पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। आप देखिए इसमें क्या है फ़ायदा आपका, जब पेन टूल से कुछ भी आप सिलेक्शन करते हैं, यानी कि क्लिक करके ड्राइंग बनाते हैं, तो आपकी क्या है टूटती नहीं है सिलेक्शन। बाकी जगह से आप क्या है लेते थे तो आप एक बार क्लिक करके छोड़ दिया, सिलेक्शन ख़त्म होती थी, लेकिन पेन टूल में ऐसा नहीं है। आपने क्लिक करके माउस दूसरी जगह काम भी करने चले जाएंगे, दोबारा आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया दो जगह, इस चीज़ को समझ गए, दो हमारे फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। अब चलिए इसको डिलीट करता हूँ, आप पेन टूल पे दोबारा आते हैं पी प्रेस करके, यहाँ क्लिक किया, और दूसरी जगह हमने क्या किया क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन को घुमा दिया। आपको जिस तरह भी घुमाना है तो देखिए आपकी क्या ये कर्व बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपकी कर्व बन जाएगी। दो चीज़ बताया आपका, शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी, और नॉर्मल आपने क्या किया पहला जगह क्लिक किया और दूसरी जगह कहीं भी आपने क्लिक करके माउस को लेफ्ट बटन को आपने घुमा दिया, जिस तरफ घुमाएंगे आपकी क्या है वहाँ से वो कर्व बन जाएगी। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट आपका कर्व बनेगा। कर्व बनने के बाद आपके दोनों तरफ हैंडल बनती है, ठीक है। ये देखिए इधर भी हैंडल, इधर भी हैंडल। अब इसमें हैंडल में क्या है, आप जब क्या किसी भी हैंडल पे कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के घुमाएंगे तो आपको क्या है दोनों हैंडल घूमेगा, दोनों तरफ से आपकी कर्व घूमेगी। ये देखिए इधर से भी कर्व घूमेगी और इधर से भी कर्व घूमेगी, जिधर से भी हैंडल घुमाएंगे कंट्रोल दबा के दोनों तरफ से घूमेगी। अगर आपको दोनों तरफ से एंगल चेंज करना है तो कंट्रोल दबा के करें, और आपको क्या एक ही तरफ से करना है तो आप क्या कीबोर्ड से ऑल्ट दबा के रखें और उस हैंडल को घुमाएं। देखिए हमने क्या किया ऑल्ट दबाया है तो आपकी सिर्फ ये वाली हैंडल घूम रही है, ये वाली नहीं घूम रही है। अब देखिए हमने ऑल्ट दबा क्या किया, इस अभी तो हमने इधर ही ड्रॉ कर रखा, उधर ड्रॉ किया नहीं था तो उधर हैंडल काम नहीं कर रहा था। अभी हमने ऑल्ट दबा के रखा और इसको घुमा रहे हैं, देखिए आपकी क्या एंगल चेंज हो रही है।
वही अगर हम कंट्रोल दबा के करते तो क्या होता है आपका दोनों तरफ होता। तो इस चीज़ को आप समझ गए, जब भी एंगल को मोड़ना है एक तरफ से तो ऑल्ट दबा के रखेंगे, और दोनों तरफ से मोड़ना है तो कंट्रोल दबा के रखेंगे। अभी देखिए हमने क्या ऑल्ट दबा के रखा है, आपकी एक तरफ से मुड़ रही है, ये चीज़ समझ गया। अब चलिए मैंने पेन टूल लिया और हमने एक कुछ कुछ ड्रॉ करना है, हमने यहाँ लिया, दूसरी जगह क्या है माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखा और घुमाते जिस तरफ आपको घुमाना है घुमाया, यहाँ भी गया इस तरह से घुमा दिया और लास्ट में क्लिक कर दिया। आपको क्या इस चीज़ ध्यान रखना है, आपने जहाँ से शुरू किया है फर्स्ट पॉइंट लास्ट में आपको वहाँ पर क्लिक करना है, तभी आपका पूरा होगा। क्योंकि जब आप फिल करते हैं तो आपको लगता है फिल हो गया है, लेकिन वैसा होता नहीं है, आप वो कन्फ्यूजन चले आपको मैं दूर कर देता हूँ। अभी मैं इसका क्या है पेन टूल लिया और इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये फिल देख रहे हैं आप, फिल लिया यहाँ पे आपके मैंने इसको नन कर दिया। अभी इसमें कोई कलर नहीं, कलर खाली, और हमने पेन टूल लिया, पहला क्लिक किया, दूसरी जगह क्लिक किया, देखिए यहाँ पर दूसरी जगह क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको नन कर दिया, तो आपकी कलर आपकी क्या हट गई। अभी देखिए हमने क्या क्या क्लिक किया और कलर हट गई। और अब इसको देखिए आप सिलेक्शन हम कुछ भी क्लिक करके कर रहे हैं, अब देखिए हमने जो भी क्लिक किया ये आपकी ये सिलेक्शन बन गई। और आपको इसमें क्या है कलर फिल करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी कलर करना है कुछ कलर आपको यहाँ दिए हुए होंगे, अदरवाइज अलग एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करें, आपको जो भी कलर चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दें, ओके कर दें, आपका ये कलर फिल हो गया। ये देखें इस तरह से आपको कलर फिल हो गया। और इस सिलेक्शन को आपको खिसकाना है, यहाँ से मूव टूल के थ्रू भी आप खिसका सकते हैं, अदरवाइज जब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए दो चीज़ें, एक है पाथ सेलेक्शन टूल, इससे भी आप खिसका सकते हैं, और दूसरा इससे भी आप खिसका सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए यहाँ पर हमने क्या कि क्लिक कर कर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, इस चीज़ को आप दोबारा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आपको काफ़ी काम आएगी। हमने यहाँ क्लिक करते गए आपकी क्या यहाँ शेप बनते चले जाएगी, और आपको कहीं भी मान लो कर्व करना है तो वहाँ पर क्लिक करके आप घुमा दिया माउस को तो वो कर्व हो गई, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा देखिए जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पर आपको क्लिक करनी पड़ेगी, तभी ये सिलेक्शन पूरी होती है। कर लिया, अब इसका जो भी कलर वलर चेंज करना था ये तभी एक्टिव होगा जब आप पेन टूल पे क्लिक करेंगे, एक्टिव क्लिक किया, जो कलर चेंज करना है यहाँ से कर लिया, अदरवाइज इस पर क्लिक करके आपको खिसका के जो भी लग रहा है यहाँ से हमने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या है हमने इस पर पेन टूल से क्लिक किया, ये रहा पेन टूल से क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या है क्लिक करने के बाद हमें क्या है यहाँ पर जितने नोट्स बन रहे हैं अपने, एक दो जितने बार आपने क्लिक किया उतने बार आपके नोट्स बनेंगे यहाँ पर। ये नोट्स होते क्या है एडिट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या हमने नोट्स बना उसको डिलीट और ऐड कैसे करते वो देखिए। आप जैसे ही किसी पाथ के पास में ले जाएंगे माउस बटन चेंज हो जाएगा, ये होता है आपका ऐड एंकर पॉइंट, मतलब ऐड करने के लिए उतने पॉइंट ऐड हो गए, यहाँ क्लिक एक हो गए, यहाँ क्लिक के ऐड हुए, जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे उसे पॉइंट ऐड होते जाएंगे, उसी बोलते हैं एंकर पॉइंट ऐड करना। जब ऐड करेंगे तो वहाँ पर आप क्या है उस कर्व को आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने मान लो कि इसको चेंज करना है, तो हमने क्या किया जिस एंकर पॉइंट के पास गए वहाँ पर क्या करें कंट्रोल दबा के उस एंकर पॉइंट को खींचेंगे तो ये क्या आपका देखिए इस तरह से आगे पीछे होगा। अगर हैंडल को घुमाएंगे तो ये आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, आप जिधर घुमाएंगे कर्व आपकी घूमेगी। और जैसा बता अगर ये तो आपने कंट्रोल दबाया तो आपकी दोनों तरफ घूमी, ठीक है, इस तरह से, और आप ऑल्ट दबा करेंगे तो आपको क्या है एक ही तरफ से घूमेगी। देखिए हमारा हैंडल एक ही तरफ से घूम रहा है, दूसरी तरफ नहीं घूम रहा है, और सिर्फ हम इस तरफ घुमा रहा है तो ऑल्ट दबा के इस तरफ प्रेस करें, अगर इस तरफ घुमा रहा है तो ऑल्ट दबा के इस तरफ प्रेस करें, ठीक है। ये समझ के अगर दोनों तरफ घुमाना है आपको आप क्या करना है कंट्रोल दबा के प्रेस करेंगे तो आपकी हैंडल दोनों तरफ घूमेगी, देखिए इधर भी घूम रही है इधर भी घूम रही है, देख रहे हैं। और वही आप कंट्रोल दबा के प्रेस करेंगे सॉरी ऑल्ट दबा के तो आपकी एक ही तरफ है एक ही हैंडल घूमेगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको एक ही हैंडल घुमाना है आप ऑल्ट दबा के प्रेस करना है, और दोनों हैंडल घुमाना है आपको क्या करना है कंट्रोल दबा के प्रेस करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑल्ट और कंट्रोल का यूज, कि अगर जो आपका है एंगल उसका अगर दोनों तरफ घुमाना है तो आपको क्या करना है कंट्रोल दबा के घुमाना है, और आपको क्या है सिर्फ एक तरफ घुमाना है तो आपको क्या करना है ऑल्ट दबा के घुमाना है। देखिए आपकी एक ही हैंडल घूम रही है ऑल्ट दबाने से, और वही चीज़ हम क्या करते हैं अगर कंट्रोल दबा के करते हैं हम देखिए इधर से तो दोनों तरफ घूम रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, आपको दोनों तरफ से आपको एंगल चेंज करना है, हैंडल घुमाना है तो कंट्रोल दबा कीजिए, और एक ही घुमाना है तो आप क्या करना है ऑल्ट दबा के कीजिए। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आपको मैंने क्या किया एंकर पॉइंट ऐड करना भी सिखा दिया, जैसे ही आप पाथ के पास जाएंगे आपका माउस प्लस में बदलेगा और उसे क्लिक किया एंकर पॉइंट ऐड हो गया। और आपको डिलीट करना है तो क्या करना है आपको पहला ऑप्शन तो यहाँ से आपका डिलीट एंकर पॉइंट इस पर क्लिक करें, और जो भी पॉइंट डिलीट करना है वहाँ पर क्लिक कर दें, एंकर पॉइंट को क्या करेगा डिलीट करते चला जाएगा, जितने आपके पॉइंट डिलीट होते जाएंगे, मतलब एंकर पॉइंट डिलीट करने मतलब वहाँ से आपको जो एंगल चेंज करने का ऑप्शन होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये समझ गए आप।
अब हम यहाँ से मान लो हम लेते हैं कोई भी इस ये वाला पाथ है, ये है, इसको हमें खिसकाना है, क्या करेंगे हम यहाँ से आते हैं हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे और किसी पॉइंट पे क्लिक करें, ठीक है, उसको जिधर खिसकाना है इजिली आप खिसका सकते हैं, इस पॉइंट को हमें खिसकाना है इसको खिसका सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करना है, देखिए इस तरह आप खिसका सकते हैं। और यहाँ भी आपको मान लो एंगल चेंज करना है, जो भी करना है, तो उसके लिए आपको दोबारा वही करना है, पेन टूल पर आना है, यहाँ पर आप जैसे पेन टूल पाएँ, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लगता है इसको एंगल चेंज करना है, पेन टूल पाएँ, अब यहाँ आपको क्या है, आपको हैंडल नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वो देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है आपको कन्वर्ट पॉइंट टूल, अब इसको मान लो हमें क्या करना है, जो ये स्ट्रेट दिख रहा है यू स्ट्रेट दिख रहा है, इसे हमें कर्व करना है, जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए कर्वा लाइन आपको दे दिया, इस तरह से देख रहे जहाँ भी आपको स्ट्रेट कर दिया आपने, मान लो ये स्ट्रेट कर दिया आपने, आप इसको क्या करना है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो दिख रहा है आपको कन्वर्ट पॉइंट टूल, इसको क्लिक करना है और जहाँ जिस पॉइंट को कर्व करना है उस पर क्लिक करेंगे, आपको क्या करेगा ये कर्व लाइन दे देगा, और दोबारा उसी पे क्लिक कर देंगे इस टूल को लेकर के कन्वर्ट पॉइंट को, तो वो क्या करेगा उस चीज़ को दोबारा से स्ट्रेट कर देगा, वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो कन्वर्ट पॉइंट पहली बार क्लिक करेंगे अगर वो ये राउंडेड है यानी कर्व लाइन है तो उसको स्ट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, देखिए स्ट्रेट कर दिया, और दोबारा उस पर क्लिक करेंगे और घुमाएंगे माउस को तो क्या करेगा वो कर्व लाइन में कन्वर्ट करेगा। इसी का सेम काम करता है कन्वर्ट पॉइंट टूल, अगर मान लो क्या है ये है आपका कर्व लाइन है तो उसको क्लिक करेंगे क्या स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा, और स्ट्रेट लाइन है तो कर्व लाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा मेन काम किसका है, कन्वर्ट पॉइंट टूल का। और ऐड एंकर पॉइंट समझ गए, इसको बिना क्लिक किए भी कहीं भी ले जाएंगे आप पेन टूल पर क्लिक करके तो ऑटोमेटिक प्लस बनेगा, तो आप एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिलीट एंकर पॉइंट लेकर जो भी एंकर पॉइंट डिलीट करना है यहाँ से आप क्लिक करते जाएंगे, एंकर पॉइंट वो डिलीट होते चला जाएगा, देखिए इस तरह से डिलीट होते चला जाएगा। तो आपने क्या समझा, कन्वर्ट पॉइंट का भी टूल समझ लिया आपने, यूज़ कैसे करते हैं राउंडेड कॉर्नर करने के लिए और उसको स्ट्रेट करने के लिए, एंकर पॉइंट ऐड करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया, पेन टूल कैसे चलाता वो भी सीख लिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, आपको बताता हूँ नेक्स्ट इसका क्या है, यहाँ पर फ्री फॉर्म पेन टूल, ये क्या करता है, आपको जैसे पेंसिल घुमाते हैं बस माउस के लेफ्ट बटन को घुमाते हुए ले जाए और जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ छोड़ दीजिए, तो आपको क्या देखिए नॉर्मल सी ड्राइंग पेंसिल की तरह इसने आपको ड्राइंग करके दे दी, इस तरह देख रहे हैं। और आपको क्या करना है, जो भी कलर चेंज करना है इस पर क्लिक करें, वो कलर आपको चेंज करके दे देगा इस पर। अब मान लो इस पर पेन टूल से आपने कुछ भी ड्राइंग कर ली, आपने कलर चेंज करना था, ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक किया किसी भी टूल पर, पेन वाले का किसी भी टूल क्लिक करेंगे या आपकी प्रॉपर्टी आके आ जाएगा आप सामने, कलर चेंज करना है यहाँ से तो आपने यहाँ से कलर चेंज करी, दूसरा कलर करना जो भी करना है यहाँ से आपने चेंज कर ली, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट का ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं, आगे मैं ग्रेडियंट के बारे में बताऊँगा ग्रेडियंट यूज़ कैसे करते हैं। बाकी यहाँ पर कई सारे कलर दे रखे हैं, जैसे ग्रे स्केल दे रखा है, पेस्टल दे रखा है, जो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से क्लिक करके आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। आपने जो भी कलर लेना था आपने सेलेक्ट करके यहाँ से ले लिया। अब मान ली हमने ले तो लिया, अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ आउटलाइन डालनी है, तो आपको पहले क्या पेन टूल पर क्लिक करना और यहाँ पे स्ट्रोक दिख रही है, ठीक है, तो आपको क्या इस पर क्लिक करना है, स्ट्रोक का कलर आपको जो भी रखना है यहाँ से हमने क्लिक करके रख लिया। इसकी थिकनेस आपको जितनी रखनी है या तो टाइप कर दे आप 10 रखा 10 इतनी हो गई, अदरवाइज आप यहाँ से स्लाइडर खिसका के भी कम ज़्यादा स्ट्रोक को कर सकते हैं। कलर चेंज करना था तो यहाँ से क्लिक करके आप कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी करना है आपको, ये तो चलो सीख गए, ठीक है, थिकनेस बढ़ाना सीख गए, कलर चेंज करना सीख गए। और जो आउटलाइन का स्टाइल है, अगर स्ट्रोक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो ऐसा रखें, डॉटेड चाहिए तो इस तरह से रख सकते हैं, छोटी वाली सर्कुलर डॉटेड चाहिए इस तरह रख सकते हैं, इस तरह से आप इजली उसको आप रख सकते हैं। और जो यहाँ पे अलाइनमेंट है, इस चीज़ को मैंने पहले क्लास आपको बता रखा है, जो अलाइन होती है हमने स्ट्रोक रखा ही है, देखिए एज के बीच से गई है, जो इस सर्कल देख रहे हैं और जो आपकी एज है, इस चीज़ को मैं थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, पेन टूल लिया और इस पर क्लिक किया, ये एक्टिव हो रही है आपकी, ये देखिए हमने लिया जो भी था आपका, हमने इस पर ले लिया सिलेक्शन ले लिया। अब हमें आते हैं इसकी वे, ये तो समझ गया आप। अब अलाइनमेंट देखिए, अभी ये जो सर्कल है एज के बीच में, आधा सर्कल बाहर है आधा अंदर है, ये जो आपका बीच वाला है जो फर्स्ट वाला है इस पर क्लिक करेंगे, देखिए पूरी पूरी सर्कल आपकी क्या है शेप के अंदर आ गई, और तीसरी क्या है पूरी सर्कल आपकी एज के बाहर आ गई। तो आपको स्ट्रोक कैसा रखना है, शेप के अंदर रखना है बाहर रखना है, आप पर डिपेंड है। और जो कैप्स, ये कैप्स होता क्या है, जो हम कोई भी लाइन बनाते हैं, ठीक है, लाइन बनाते तो उसमें क्या है कैप्स किस तरह से होना चाहिए, ये भी देखिए आपको मैंने इसके बारे में डिटेल में क्या इलस्ट्रेटर में आपको समझा रखा है, क्योंकि फोटोशॉप में इसकी यूज होती नहीं है। और जो कॉर्नर है, जो कॉर्नर होती है उसकी किस तरह से होनी चाहिए, राउंडेड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, चलो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ फिर आप समझ जाएंगे, ये तो ऑलरेडी राउंडेड है इसमें पता नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लिया हमने पी दबा के,
और कुछ भी मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट बॉक्स बना देता हूँ। हमने क्या किया, शिफ्ट दबा के रखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोई भी कलर फिल कर दिया मैंने, ठीक है। फिल करने के बाद अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, और इसमें क्या कर दिया मैंने, पेन टूल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कोई भी स्ट्रोक की कलर डाल दी, और थिकनेस में बढ़ा देता हूँ इसकी 10। अब मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये तो मैंने ड्राइंग कर दी, अब मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। जूम करने के बाद इस पर हमने क्लिक किया और पेन टूल को एक्टिव किया। अब जो मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको, मैं ये वाले जिस कॉर्नर्स को अभी देखिए, स्ट्रेट कॉर्नर देखिए, स्ट्रेट कॉर्नर जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये कॉर्नर आपकी क्या है, राउंडेड हो जाएगी। अब जो यहाँ बॉक्सेस देख रहे हैं, ये बॉक्सेस के एक्चुअली हम ज़्यादा लेवल पर जूम कर लेंगे तो फोटोशॉप के हमारा सारा पिक्सल बेस बनता है। पिक्सल मतलब ये छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं आप, स्क्वायर बॉक्स, इसी को हम पिक्सल बोलते हैं। अब एक्चुअली क्या, इसकी जूम देख रहे हैं इतनी बड़ी 7251% 7000% पे है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, तब इसको ज़्यादा समझ में ज़्यादा बेटर आएगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को, हमने थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अब जो आपने किया था यहाँ पे, ये कॉर्नर राउंडेड कॉर्नर, अब देखिए आपको यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर दिख रही होगी, देखिए अभी हमने चेक सेलेक्ट किया था राउंडेड कॉर्नर बीच वाला, तो ये देखिए कॉर्नर आपकी राउंड दिख रही है। आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे और थर्ड वाला लेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगी, तो आप पे डिपेंड करना है, स्ट्रेट कॉर्नर रखना इस तरह से या राउंडेड रखना है कॉर्नर इस तरह से आपको, या इस तरह से टेढ़ी वाले कॉर्नर रखनी है, आपको खुद पर डिपेंड करता है आपको क्या रखना है। क्योंकि फोटोशॉप में क्या बोलने का यही है कि आप वेक्टर हर चीज़ को बना सकते हैं, लेकिन होता नहीं, होता क्या फोटोशॉप में, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर अपने आप में क्या है, रैस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ भी बनती हो आप क्या पिक्सल बेस बनती है। अगर इसको आप ज़्यादा जूम कर लेंगे तो आपको क्या है बॉक्सेज बॉक्सेज दिखने लगेंगे, देखिए जितना जूम करेंगे आपको एक स्क्वायर बॉक्स दिखेंगे। ये करता क्या है, जो भी होता है हमारा पिक्सल बेस होता है, इसी को हम बोलते हैं पिक्सल। आप जैसे जैसे जूम करते जाएंगे या पिक्सल ये क्या है टूटती जाती है, आप देखिए ये देख रहे हैं आप टूटती जाती है, तो इसका डिटेल में बताऊंगा अभी, इस चीज़ जो टूट रही है इसको हम कैसे बचाते हैं। तो अभी मेन जो हमारा क्लास था आपको पेन टूल को समझाना, फर्स्ट क्लास को जैसे आपको बताया मैंने, पेन टूल से हम ड्रॉ करके कुछ भी बना सकते हैं। और पेन टूल पहला क्लास हमारा क्या था, शेप के बारे में, हम ड्राइंग करके कोई भी शेप कैसे बना सकते हैं। तो आप पेन टूल जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका क्या, उसका आपका कंट्रोल होते जाएगा। अभी तो नॉर्मल बॉक्स से बनाया, तो आपको ड्राइंग करनी आती है तो आप क्या करें, पी दबाएं, पेन टूल एक्टिव हुआ और क्लिक करते जाए, आपको जिस तरह से आपको जितनी ज़्यादा इस पर पकड़ होगी, और हाँ आपको शुरू शुरू में क्या है यहाँ से कलर को ऑफ करके बनाए तो आपको क्या ड्राइंग में ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऑफ कर दिया, आपको जैसे लग रहा है आपकी जितनी कंट्रोल है तो आप उस तरह की यहाँ पर ड्राइंग बना सकते हैं। बस आपको क्या है माउस को जहाँ जहाँ चाहिए बस क्लिक करके आप मूव करते जाए, माउस के लेफ्ट हैंड मूव करते जाए, और बाकी सिलेक्शन आपको जैसा चाहिए, आपको दोनों हैंडल घुमाना है आप कंट्रोल दबा घुमाएं दोनों हैंडल घूमेगी, और एक ही तरफ का हैंडल घुमाना है तो ऑल्ट दबा घुमाएं आपकी एक तरह की एंगल घूमेगी इस तरह से, और आगे की तरफ आप क्या है जैसे आपको लगता है ड्राइंग आप कर सकते हैं उस तरह से आप ड्राइंग करते जाएं, और लास्ट में आपको मिलाना ही पड़ेगा तभी जाके ये होगी। उसके आपको जो कलर फिल करना है यहाँ से आपने जाके क्लिक कलर वो फिल कर दिया, इस तरह से इजली आप कुछ भी आप बना सकते हैं। आप डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी आती है, कुछ सिलेक्शन करना है, मान लो पीछे कोई इमेज दे रखी है उसको देख के आपको बनाना है तो उस तरह से इजली आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा क्लास, हम पेन टूल का यूज़ करके कोई भी शेप को हम कैसे बनाते हैं। जब इस पर आप प्रैक्टिस करें तभी आप नेक्स्ट पेन टूल का यूज़ करके आप किसी चीज़ को सिलेक्शन ले सकते हैं। मान लो कुछ भी कटआउट करना है तो आप सिलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं आप। अब मान लो इसी को था, मान लो हमारे पास ये इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, इसका सिलेक्शन करना है तो हमने क्या करना है, पेन टूल लेना है, और हमने अभी मैं आपको थोड़ा दूर से समझाता हूँ, ये लिया मान लो हमें इतना दूर सिलेक्शन करना है, ये कर लिया हमने और एंटर दबा दिया, तो आपकी देखिए सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गई। ये देखिए आपकी ये सिलेक्शन चाहता बॉन्डी देख रही, सिलेक्शन में भी कन्वर्ट हो गई। आप चाहे तो इसका कलर भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप इस तरह से इजली। मेन जो था आपका था आज का ये वाला क्लास, ये सिर्फ आपको शेप में समझाना था। नेक्स्ट क्लास हम पेन टूल के थ्रू सिलेक्शन कैसे करते हैं, पाथ का यूज़ कैसे करते हैं, धीरे धीरे आपको मैं बताते जाऊँगा। तो आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए, पेन टूल के थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी शेप को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।